गांव का रहने वाला एक शख्स, नाम कुन्नू लाल, बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। भोर का समय था, ज्यादा उजाला नहीं था। हल्के अंधेरे में कुन्नू लाल घर लौटता है और तभी अचानक पीछे से भेड़िया हमला कर देता है। आदमखोर भेड़िया कुन्नू लाल की गर्दन पकड़ लेता है। भेड़िया और कुन्नू लाल में हाथापाई हो जाती है। गांव में शोर मच जाता है और इसी अफरा तफरी में भेड़िया वहां से भाग निकलता है और कुन्नू लाल भयंकर रूप से जख्मी हो जाता है। ये खबर बहराइच के दरिया कुट्टी गांव की है। ये हमला बीते दिन हुआ। फिलहाल कुन्नू लाल महसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। गनीमत ये है कि उनकी जान तो बच गई, लेकिन कुन्नू लाल की गर्दन पर गहरी चोट लगी है। लोकल 18 ने कुन्नू लाल से खास बातचीत की। कुन्नू लाल ने भेड़िए के हमले का पूरा खौफनाक मंजर बताया, कैसे भेड़िए ने अटैक किया, कैसे उन्होंने जान बचाई। ये पूरी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। 4 बजे भोर में बाथरूम करके आए, हम चार पे पैर बैठ गए, बैठे ना, जब तक हम बैठे तब तक भेड़िया आया और मेरे पीछे से पकड़ लिया। जब वो पकड़ा, हमको मालूम हो गया कि जानवर पकड़ लिया। तब तक हम उसका ऐसे पीछे हाथ लगाए चलाए और उसका मुंह हमारे हाथ में आ गया। जोर से ताने लगे तो हमारा गला छूट गया, चिल्लाने लगे, भेड़िया दवा पकड़ लिया। हमारे भाई और सब लोग बोला मुझे दौड़ करे, तब तक वो निकल गया। मैंने डर के बाद नहीं, उस घड़ी दादा जौन भी कर रहा हमारे काम है जाने के, धन्य जो आजीवन बचा जो आपसे मुलाकात हुआ। भेड़िए के हमले के समय कुन्नू लाल की पत्नी भी वहां मौजूद थी, उन्होंने भी पूरा नजारा देखा। वो इस बारे में क्या कहती हैं, सुनिए। लड़ाई हुई है। हाँ, तब हम खूब चिल्लाने, तब उनका कहते हैं परिवार के जब सब दौड़े हैं और वैसे से वे लाल जी भैया आए हैं, तो वो जब हौके हैं तब का कहते हैं छोड़ कर भाग गया है। तो उनकी गर्दन कैसे मरोड़े? ऐसे पकड़े रहे, हाँ, पीछे से मुंह में दबाए, हाँ, पूरी गर्दन मुंह में दबाए, हाँ, और वो यही से पकड़े रहे। नहीं, उनका कुछ हो जाए तो हम तो जान बिन मारे मरी के रहे। भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब वन विभाग लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए अलग अलग तरकीब अपना रहा है। अब तक कुल 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जिनमें से एक भेड़िए की मौत भी हो चुकी है। गाँव वालों में खौफ है, इन भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।